दिखा देता हूँ मैं। तो ये पूरा एक वॉक अराउंड है, इस साइड में क्यूआर कोड भी दे रखा है एमटी वालों ने। डबल डी रिंग स्ट्रैप है, वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट रिटेंशन सिस्टम। दो हेलमेट आपके डबल डी आते हैं, जिनको डबल डी यूज़ करना पसंद है तो वो टार्गो सीरीज पे जा सकते हो। पैडिंग की क्वालिटी भी सेम रहेगी, अगेन कंफर्टेबल पैडिंग रहेगी, बिल्कुल मेमोरी। नए ग्राफिक्स आ गए हैं और अभी आने वाले हैं, ऑर्डर लग चुका है तो जल्दी वो भी आपको मिल जाएंगे। जिनका घर पे आ चुका है तो उस पर भी आपका अप्रूवल। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी यार। देखो स्टोर में खड़ा रहता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे वीडियो बनाने का बहुत बेस्ट पॉसिबिलिटी रखता हूँ कि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा स्टॉक कवर करता हूँ, काफ़ी अच्छे से बनाऊँ। थंडर फोर आया था, थंडर फोर के आते मैंने आपकी वीडियो बना दी थी। तो अब जल्द ही अब आपको जैसे जैसे मेरा टाइम मिला, मैंने टाइम निकाला, तो आज जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, मैं दिखा रहा हूँ एमटी का नया स्टॉक। और एमटी का नया स्टॉक करके जाने का रीज़न ये है कि रिवेंज 2 अभी बीच में आना ही रहा था, तो काफ़ी टाइम से वेटिंग पे चल रहा था। तो अब रिवेंज 2 भी फाइनली आ चुका है। पीछे आप मेरे डिस्प्ले देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा एमटी के रिवेंज 2 मेरे पीछे लगे हुए हैं। और जितने भी हमारे जो राइटर्स हैं जिनको पसंद है एचजेसी राफा 11 का ग्राफिक्स, जो राफा 11 में वेनम का हैगो आता है, हैगो उसको प्रोनाउंस कैसे करते हो आप खुद कर लेना, तो जो हैगो आता है उसके अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ। सेम वैसे एक लुक आ गया है टार्गो सीरीज के अंदर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, मैंने कवर करता है, छोटा सा आपको रिव्यू दे देता है। डिटेल में रिव्यू चाहिए होगा और भी अच्छी चीज़ें होगी तो बता दूंगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आगे तो भाई जैसे आप देख सकते हैं सामने मेरे डिस्प्ले पे लगे हुए सारे एमटी की जितनी भी सीरीज़ है सारी ऑलमोस्ट लग चुकी है। और पीछे यहाँ पे लगा हुआ एमटी थंडर फोर, इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दी है। तो आप काफ़ी सब लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ उस पर मेरे को आ गए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया उस पर। जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ मेरे से होंगी आपके लिए मैं करूँगा, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं वो चीज़ में डिटेल में बना दूँगा, आप मेरे से पूछ सकते हो। ब्लेड 2 के अंदर भी एक नया ग्राफिक आ गया, तो वो भी एक बार आपको मैं शो कर देता हूँ। इस तरीके से किसी हेलमेट पर्टिकुलर पर एक डिटेल वीडियो बनवाना चाहो तो बनवा लेना मेरे को कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करके, डीएम में करके। तो फिलहाल के लिए तो अभी मैं एक छोटा सा एक आपको रिव्यू दे दूँगा, बता दूँगा सारे हेलमेट्स के बारे में, प्राइस वगैरह शेयर कर दूँगा आपके साथ। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं और स्टार्ट करेंगे रिवेंज 2 से, क्योंकि रिवेंज 2 क्या था आपका, मैंने बोला था ना डिमांड में था। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस हेलमेट की एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, ये हेलमेट इतना ज़्यादा लाइट वेट फील होता है ना और किसी हेलमेट से, ऐसा कोई हेलमेट मेरे को अभी तक लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है तो इसका ग्राफिक भी बहुत ज़्यादा मुझे बढ़िया लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसकी शार्प रेटिंग, सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे, तो दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली आपका ये एमटी का रिवेंज 2 सीरीज़ है। पहली चीज़ सबसे बेस्ट जो मैंने आपको पहले शेयर कर दिया, इसका शेल बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। प्लस सर्टिफिकेशंस की बात करें तो इसमें ईसी सर्टिफिकेशन, डीओटी सर्टिफिकेशन मिल जाती है आपको। ये जो ग्राफिक है सर्जियो ग्रासिया, जो रेसर है उसका ग्राफिक है ये, आप उस पर गूगल कर सकते हो। स्पेन का एक रेसर है सर्जियो ग्रासिया, तो सेम ग्राफिक्स उसके हेलमेट के हैं। अब सेफ्टी मेजर के बारे में बात करी जाए तो इसके अंदर आपको लॉकेबल वाइज़र मिलता है। तो लॉकेबल वाइज़र जो है, जब तक आपका लॉक ये वाइज़र ओपन नहीं होगा जब तक इसका लॉक नहीं खुलेगा। वेंट्स काफ़ी अच्छे दे रखे हैं इसमें, एक डायरेक्ट वेंट ऑप्शन है, मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा वो चीज़, अभी तक ऐसे किसी हेलमेट में मिली नहीं मेरे को। लाइक अभी आपके दोनों वेंट्स बंद हो गए हैं, आपको ये वाले साइड वेंट्स ओपन करने चाहिए और सेम ऐसे वेंट्स एचजेसी के अंदर आते हैं। अब एचजेसी का नाम इसलिए क्योंकि आप देखो आपको प्रीमियम ब्रांड की चीज़ें कुछ कम प्राइस के अंदर मिल रही है, तो वो एक प्लस ऑप्शन है। तो आपको जब ये दोनों वेंट ओपन करने हैं साइड वाले, तो आपको सीधा से नीचे करना है तो ये दोनों वेंट्स ओपन हो जाएंगे। आपको एक डायरेक्ट वेंट मिलता है जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा अंदर, आपको हेलमेट का पूरा व्यू दिख रहा है अंदर की पैडिंग्स का, तो ये डायरेक्ट वेंट है। पैडिंग्स की बात कर ले कंफर्ट के अकॉर्डिंग, तो बहुत ही ज़्यादा कुशनिंग अच्छी है बिल्कुल, अगेन लाइक AGV हेलमेट जैसे कुशनिंग है, मेमोरी फॉर्म टाइप है, बहुत कंफर्टेबल रहेगी इसकी पैडिंग जो है। आपको पैडिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक स्नग फिटिंग देती है, प्रॉपर एक स्नग फिट जो होता है हेलमेट, प्रॉपर स्नग फिट रहेगा। और जैसा अगर आप 10R पे यूज़ करना चाहते हो 10R पे भी पहन सकते हो, क्योंकि फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। प्लस वाइज़र इसका काफ़ी अच्छा है, अनब्रेकेबल वाइज़र है, पूरा पैर रख के बिछड़ जाओगे तब भी कुछ नहीं आएगा। स्पेसिफिकेशन सेम रहेगी, ग्राफिक अलग हो जाएगा, तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ।
अब प्लस फीचर क्या है, 3 कंट्री सर्टिफिकेशन तो हो गई है, ISI अप्रूव्ड भी है आपका, DOT भी है, PCI भी है। अब इसकी जो एक प्लस सर्टिफिकेशन है, दैट इज़ शार्प सर्टिफिकेशन। शार्प UK की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हेलमेट्स को एंगुलर सरफेस पे अलग अलग हाइट से अलग अलग स्पीड में फेंकती है, तो उस हेलमेट में इसको 5 स्टार्स मिले हुए हैं। अदरवाइज जो और हेलमेट्स में जो स्टार्स आते हैं वो किसी ऐसे जो उसका टारगेट उस पर 3 स्टार्स है, इसके अंदर 5 स्टार्स है, तो 1 से 5 तक की रेटिंग देते हैं, इसको 5 out of 5 मिला, तो आप लगा ही सकते हैं कितना सेफ है। प्लस 3 कंट्री सर्टिफिकेशन प्रॉपर मिली हुई है। तो ये थी इसके बारे में बात, आगे इसके ग्राफिक पर बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो ग्राफिक आता है, ये वाला ग्राफिक आ जाता है, काफ़ी अच्छा है, एक मल्टी कलर ग्राफिक है, तो आपको विजिबिलिटी अच्छी देगा रोड पे। तो ये आप देख सकते हैं ओवरऑल, आपको प्रॉपर वे में दिखा देता हूँ मैं। तो ये पूरा एक वॉक अराउंड है, इस पर साइड में QR कोड भी दे रखा है MT वालों ने। तो ये एक ऐसा लुक है, एरोडायनेमिक शेल है प्रॉपर, हाई स्पीड से आपका शेक नहीं करेगा बिल्कुल भी, और कम्फर्टेबल है। अब MT के हेलमेट्स के अलग अलग जो लॉक आते हैं वो हेलमेट्स के अकॉर्डिंग आते हैं। इसके अंदर आपको डबल डीरिंग स्ट्रैप है, वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट रिटेंशन सिस्टम है अभी तक का, और कुछ हेलमेट से कोई फ्री ले जाता है। पैडिंग आप देख ही सकते हैं, पैडिंग का पूरा ये पूरा आपका जो ग्रूवेबल वॉशेबल पैडिंग्स है, और सबसे अच्छी बात इसमें स्पीकर पॉकेट्स भी मिलती हैं आपको, इनके साथ स्पीकर ऐड करने तो स्पीकर पॉकेट्स मिल जाएंगे। और अब इस थर्ड कलर पर बात कर लेते हैं, Revenge 2 का थर्ड कलर ये होने वाला है। तो ये Revenge 2 का थर्ड कलर है, ग्रेइश कलर में। तो अपने कलर टोन के हिसाब से, अपने कलर चॉइस के हिसाब से पसंद कर सकते हो। प्राइस की बात कर लेते हैं इसकी। तो प्राइस देखो यहीं पे दिखाया था आपको, प्राइस इज 9,100, 9,100 रुपये इसका प्राइस है। पहले प्राइस इसका 8,200 था, प्राइस अब इंक्रीज़ हो गया, तो स्टाफ रेटिंग इसकी बढ़ गई है वैसे। तो प्राइस आप देख सकते हैं, ये दोनों कलर है Revenge 2 के अंदर, ये वाला कलर भी आपका Revenge 2 के अंदर, ये थर्ड कलर ये है। और जो मैंने HJC फैंस के लिए बात करी, तो HJC फैंस आपके लिए हेलमेट आ चुका है, टारगो सीरीज सारे साइज में अवेलेबल है, स्मॉल, XL, लार्ज, मीडियम। क्रैकन इसका नाम है, टारगो प्रो क्रैकन। और टारगो में भी आपको 4 कंट्री सर्टिफिकेशन मिलती है, इसमें भी शार्प सर्टिफिकेशन के 3 स्टार्स मिलते हैं आपको, आप देख सकते हैं। तो सेफ है आपका हेलमेट भी। तो आपके जो MT सीरीज़ के अंदर है, दो हेलमेट आपके DD आते हैं, जिनको DD यूज़ करना पसंद है तो वो टारगो सीरीज पर जा सकते हो। पैडिंग की क्वालिटी भी सेम रहेगी, अगेन कंफर्टेबल पैडिंग रहेगी, बिल्कुल मेमोरी फोम टाइप रहेगा बिल्कुल। और ओवरऑल लुक देखो आप इसका, लाइक जैसे HJC का हैडो आता है कम्प्लीटली वैसे है। मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा इशू हो सकता है आपको दिखाने में अच्छे से, तो आप देख सकते हो दांत या टूथ लुक। तो ये टारगो है। इसके बाद MT हमर के अंदर कुछ नए ग्राफिक्स आ गए हैं और अभी आने वाले हैं, ऑर्डर चल चुका है तो जल्दी वो भी आपको मिल जाएंगे। और ये Blade 2 के कुछ ग्राफिक्स है दिखाए, तो Blade 2 आपका अगेन ये शार्प रेटिंग 4 स्टार्स इसको मिलते हैं Blade 2 को। इसका प्राइस ये दिखा देता हूँ मैं, 9,550। लॉकेबल वाइज़र, ये वाला हेलमेट आपका सनवाइज़र के साथ आता है, ये हेलमेट्स आपके सनवाइज़र के साथ के आते हैं। तो MT ने यूज़ेबिलिटी के ऊपर के हिसाब से बना रखा है, बेसिकली MT ने हिसाब से बनाया था। अगर आप डुअल वाइजर यूज़ करते हो, डुअल वाइजर के हिसाब से आप अपने हिसाब से मॉडल चूज़ कर सकते हो, लाइक Blade 2 Thunder 4 में डुअल वाइजर आते हैं, Thunder 3 का जरते आ चुका है तो उस पर भी आपका जो आपको डुअल वाइजर मिल जाएंगे। बाकी आपको Revenge 2 और टारगो के अंदर और हैमर के अंदर डुअल वाइजर नहीं मिलता, बाकी आपको Blade 2 और Thunder 3 के अंदर और Thunder 4 SV के अंदर आपको डुअल वाइजर मिल जाएगा। तो हैमर के कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा देता हूँ, डिटेल वीडियो बाद में बना लेंगे अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट करोगे तो पर्टिकुलर उसके ऊपर बन जाएगी कि कुछ ग्राफिक्स हैं हमारे के। और ये Thunder 4 के कुछ ग्राफिक्स हैं जो भी आ रहे हैं, ये आपका ग्रे हो गया, ये हो गया, ये ऑरेंज हो गया, इसमें ग्रेड भी आता है। और ये नैरोन ग्राफिक सबसे ज़्यादा चलने वाला है, हमारे का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ग्राफिक। हमारे के कुछ नए ग्राफिक्स ये आए हैं, सॉलिड कलर, जिसको चॉइस बहुत पसंद है वो सॉलिड कलर पर जा सकते हो। एक इसमें एक ऑरेंज कलर आता है, जो KTM लवर्स हैं और जिनको ऑरेंज कलर से थोड़ा प्यार है तो वो ये देख सकते हैं। ओवरऑल लुक इसका दिखा देता हूँ मैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा शॉर्ट में ख़त्म कर देंगे सर। नैरोन का दूसरा ग्राफिक्स, वाइट वाला, रेड वाला ग्राफिक्स, ब्रिक, MT हमर। इसमें मैं बता देता हूँ आपका जो प्राइस इसका रहता है MT हमर का, दैट इज़ 5250। स्पीकर पॉकेट्स मिलती है इसके अंदर आपका, और ये गैलेंट भी आता है, अगेन ऑरेंज कलर लवर्स के लिए, KTM लवर्स के लिए, और जो भी ऑरेंज कलर जो पसंद करते हैं उनके हिसाब से, टारगो जोकर हो गया। तो इसमें जितने भी हेलमेट्स आपके लगे हुए हैं सबकी पैडिंग रिमूवेबल वॉशेबल है प्रॉपर, बट टेस्टेड हेलमेट्स हैं, तो जब भी आप MT हेलमेट्स पहनोगे तो आप यू विल फील सेफ। इट्स लाइक के
एक बहुत बड़ा प्रीमियम ब्रांड आपको एक अच्छे प्राइस और एक अच्छे सेगमेंट के अंदर मिल जाता है। तो इसका प्राइस कुछ एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। हम्प्टी हैमर इस 4,5250, टारगो प्रो इस 4,7800, इसमें एक ये वाला भी ग्राफिक आता है आपका फ्रॉग, और एक ये वाला कलर आता है फ्रॉग का। फिर आपका रिवेन सीरीज आ जाएगी 9,100, ब्लेड 2 सीरीज 9,550, ये वाला भी कलर आता है ब्लेड 2 का आपका, और ये वाला कलर आता है। तो ये कुछ चीज़ें थी एमटी आवर की जो रेंज आई थी। बाकी भी जो नए ग्राफिक्स आएंगे उसके साथ ही वीडियो बना लेंगे, तो एमटी आवर के कुछ क्रेजी ग्राफिक्स आने वाले साथ वीडियो बना लेंगे। तो आपका कुछ क्वेश्चन हो रिगार्डिंग हेलमेट्स के तो बोल देना, तो वो चीज़ उसके अंदर कवर कर लेंगे और आपको दिखा देंगे। तो कुछ चीज़ें चाहे रह गई हो मेरे से तो कमेंट करके एक बार पूछ लेना मेरे से, यार इंस्टा पे डीएम कर देना, कमेंट बॉक्स पर डाल देना, तो अगली वीडियो में ऐड कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। कोई हेलमेट किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ, एमटी हेलमेट आपको राइडर्स पैड के सारे स्टोर्स के अंदर इजीली अवेलेबल रहेंगे। आप गुरुग्राम से हो तो आपको राइडर्स पैड भिटोरनी और नारायणा में तो राइडर्स पैड नारायणा, और करोल बाग आर्य समाज जोड़ पर आपको मिल जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक अपोजिट है। एक बार बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपको, तो आर्य समाज रोड है तो आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक है, और सामने जो है यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है सीन से दिख जाएगा आपको। तो जब भी आप आओगे तो आर्य समाज रोड है, यहाँ से स्टोर है एड्रेस पैड करोल बाग, गूगल पे डाल सकते हो, मेट्रो नियर बाय झंडे वालम करोल बाग है। मैं मिल जाऊँगा आपको स्टोर के अंदर, मैं ही दिखाऊँगा आप हेलमेट वगैरह। जब भी आप आओगे तो आप भी आ सकते हो, एड्रेस फिर भी पूछ रहे हैं, लोकेशन फिर भी नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ अपना, इंस्टा आई डी डाल देता हूँ, नीचे शो हो रही होगी आपको, तो कॉन्टैक्ट करके इजीली आ सकते हो। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, साइन को प्रशांत है, बाय, टेक केयर। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.